जय हिंद। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि प्रेशर और नॉर्मल में क्या अंतर है। ये देखिए, हमारे पास एक ऐसा जो है, ये हाफ एचपी का मोटर है और ये हमारा जो है, अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। आप लोग जो बोलते हैं जो ज़्यादा दूरी करता है, ये जैसे कि हम इसको अब चालू किए, देखिए ये हवा से टकरा गया इसका प्रेशर। अब हम दोनों को चालू करते हैं और साथ में बताते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए हमारे पास दोनों है, अब इसको भी चालू करते हैं, इसका सामने कर लेते हैं, दोनों का नोजल एक साथ। देखिए इसका जो है दिखाई दे रहा है पानी, लेकिन इसका दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो प्रेशर है, इसमें ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये हवा में टकरा जाता है। इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ये हवा में नहीं टकरा पाता। अब ऊंचाई की बात करें तो देखिए, देखिए इसका, अब वार की इसका बात करें तो दोनों का वार देखिए, इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और यही इसका देखिए, तो यही फर्क है दोनों में कि आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा दूरी जो जाएगा उसमें प्रेशर नहीं होगा। अभी इसका होल और बड़ा करेंगे तो ये और दूरी ये जाएगा। इसमें अभी 2 mm का होल है और इसमें जो है 1.1 mm का होल है। अब इसको इधर सीधा करते हैं। देखिए जैसे इसका, अब हम इसको होल बड़ा करके फिर हम बताते हैं और वीडियो को ज़्यादा दबाइएगा, फिर दिखाते हैं। जाओ ड्रिल मशीन लेके। अब हम दिखाते हैं इसका जो नोजल, इसको कैसे बनाया जाता है। रुकिए जरा सा, ऐसे सिर्फ कट मार देंगे तब ये ऐसे करेगा, उसी तरह से नोजल बनता है। देखिए ऐसे होने लगा, ये शुद्ध नहीं कटा है, नहीं तो ये जो है ना ऐसे ही नोजल बन जाता है। अब हम इसका धीरे धीरे करके होल बड़ा करते हैं। देखिए देखिए इसका और ये बढ़ रहा है, इसका फोर्स और बढ़ रहा है क्योंकि इसका पानी का दबाव फ्लो बढ़ गया। यही होता है पंप के साथ। और थोड़ा सा हम बंद करके इसको बढ़ा करके बताते हैं। जैसा खोलना यहाँ से, इसका होल मैं बड़ा कर दिया तो देखिए यही है आपका दिमाग और सोच, अब इसके मुकाबले में कोई नहीं है। मोटर वही है, देख लीजिए पंप भी वही है और फोर्स इसका बढ़ गया।
देखिए अब और इसका होल बड़ा करते हैं। बोलो देखिए अभी इतना बड़ा होल है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और फोर्स बढ़ जाएगा। चालू करो। देखें अब हम इसको अगर हम चौड़ा करना चाहेंगे तो क्या करना चाहिए, अब इसको हमको ऐसे करके निकालना है पानी, जैसे इस तरह से। इस तरह से पानी निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक कट मारना होगा। बंद करो। अब देखिए इस तरह से हम कट मार दिए इसमें, अब ये पानी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। चालू करो। ऐसे ही नोजल बनता है और नोजल का यही ट्रिक होता है, या तो हम इसको ऐसे करके ऐसे दबा दें ऐसे ही दबता है, या तो यहाँ से हम कट मारें। अब हम इसको यहाँ से हम पूरा काटेंगे और फिर पूरा फोर्स देखते हैं कि लगभग ये 10 mm का होगा होल। अब 10 mm करके देखते हैं कितना होता है। बंद करो। अब हम पूरा सिरेंज को खाली कर दिए, अब चालू करो। अब ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ऐसे काम करता है, इसका पानी का फ्लो इतना है। और हम इसको अगर खोल देते हैं तो दिखाते हैं दोनों का पानी का फ्लो में अंतर। देखिए इसमें इतना पानी है लेकिन उतना ताकत से ये निकलता है। ये क्या होता है कि ये पूरा पानी हमारा नोजल से निकल जाता है, इसीलिए इस पानी में हमारा ज़्यादा ताकत रहता है। और दूसरी बात हम बता दें और एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे करके बंद कर दिए, ये बंद हो गया, समझ गए, ये बंद हो जाएगा और देखिए कुछ नहीं, मोटर तरफ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से बंद हो गया है। लेकिन हम इसको इतना पानी जो हम दिखा रहे हैं ये बंद नहीं होगा। इसको कुछ भी कर दीजिए बंद होने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें इतना ताकत होता है, इसलिए सब चीज़ का दिमाग मत लगाइएगा, जितना हम बताते हैं उतना कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी दूसरा हम ट्रिक दिखाते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर पानी हमारा बंद हो जाना चाहिए, यहाँ पे हम दबा देते हैं पूरी ताकत से और यहाँ हम ट्रिगर को दबाते हैं। इस पानी में इतना ताकत होता है आपको अनुमान होना चाहिए, इसीलिए एक गाड़ी धोने का काम में आता है। और ये पानी को हम ऐसे ही बंद कर देते हैं तो कुछ, देखिए बंद हो गया। ये पिस्टन से ये पानी चल के आता है, ये पंप करके आता है और ये जो है सिर्फ हवा के बल पे आता है पानी। आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है।